works at a rate that she can finish a work in 28 hours. But she worked at this rate for 7 hours only. After that, she works at the rate such that she can finish the whole work in 16 hours. If Seema is to finish this work at a stretch, how many hours total will she take to finish this work? देखो, अज्यूम कर लो कि टोटल वर्क कितना है, वो है 28 यूनिट. तो सीमा अगर 28 आवर्स में 28 यूनिट काम करती है तो उसका पर आवर की एफिशिएंसी कितना होगा? वो 1 आवर में सिंपली 1 यूनिट काम करेगी. ये क्लियर है? तो फर्स्ट 7 आवर्स में वो कितना काम करेगी? सिंपली 7 यूनिट. तो रिमेनिंग वर्क डन कितना होगा? रिमेनिंग वर्क डन होगा सिंपली 28 माइनस 7 का डिफरेंस, तो दैट इंप्लाई 21 यूनिट. लेकिन यहां पे इसकी एफिशिएंसी चेंज हो गई है, वो अपनी न्यू एफिशिएंसी के साथ काम करेगी. न्यू एफिशिएंसी कितना होगा? वो सिंपली होगा, वो कह रहा है कि वो 16 आवर्स में टोटल काम कर लेती है. तो 16 आवर्स में 28 यूनिट काम करती है तो पर आवर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 से 7 और 4 से ये 4, दैट इंप्लाई 7.4 यूनिट के रेट से काम करेगी. तो नेक्स्ट 21 यूनिट काम को 7.4 यूनिट के रेट से काम करने में कितना टाइम लगेगा? सिंपली 21 डिवाइडेड बाय 7 बाय 4, ये सिंपली क्या हो जाएगा? 21 इंटू 4 अपॉन 7, तो 7 से ये 3, दैट इंप्लाई 12 आर. दैट इंप्लाई नेक्स्ट केस में 21 यूनिट को काम करने के लिए सीमा कितना टाइम लगेगी? 12 आवर्स का. तो टोटल टाइम इसको कितना लगेगा? ये 7 और ये 12, दैट इंप्लाई 19 आवर्स का. और हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. अगर यहाँ पे होल वर्क के बदले लेफ्ट वर्क होता तो क्वेश्चन में कुछ बात ही नहीं थी, वो सिंपली क्या हो जाता? 7 और प्लस 16, दैट इंप्लाई 23 आवर्स, जो कि रॉन्ग है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स.